नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो RKCL के IT ज्ञान केंद्रों के लिए है। तो अगर आप एक IT ज्ञान केंद्र नहीं है तो ये वीडियो आपसे संबंधित नहीं है। सभी ज्ञान केंद्रों का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा। अभी दीपावली के बाद RKCL द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण स्कीम की घोषणा की गई है। ये घोषणा कैश रिवार्ड से संबंधित है, जिसका नाम रखा गया है विंटर रिवार्ड स्कीम या डिजिटल ज्ञान उत्सव 2019। इसमें रिवार्ड के चार अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के रिवार्ड रखे गए हैं। ये योजना मुख्य रूप से RSCIT नवंबर 2019 बैच के अंदर एडमिशन पर आधारित होगी। तो आइए इस योजना के बारे में और जानकारी पाते हैं। तो सभी ज्ञान केंद्रों को बताना चाहूँगा कि उनके माई RKCL लॉगिन के अंदर यहाँ ऊपर की तरफ मैसेजेस एक टैब है, उस टैब के जरिए वो सारी स्कीम की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वही स्कीम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सामने स्क्रीन पे PDF फाइल को ओपन किया है। तो इसमें किस प्रकार से रिवार्ड बांटे जाएंगे उसके बारे में आपको बताऊं कि अगर एक ज्ञान केंद्र RSCIT नवंबर 2019 के अंदर 10 से 30 एडमिशन करता है तो उसे ब्रॉन्ज कैटेगरी का रिवार्ड मिलने के लिए पात्र माना जाएगा, और जिसके अंतर्गत प्रत्येक एडमिशन पर ₹50 तक उसको रिवार्ड के तौर पे दिया जा सकता है। इसी प्रकार से सिल्वर कैटेगरी के अंदर 31 से 50 एडमिशन करने वाले ज्ञान केंद्र नवंबर 2019 बैच के अंदर, जिन्हें ₹75 प्रति एडमिशन की दर से रिवार्ड देने की प्रस्तावना है, और साथ साथ में गोल्ड और डायमंड जिसमें 51 से 100 एडमिशन्स के बीच में गोल्ड कैटेगरी का रिवार्ड के लिए पात्र माना जाएगा और उसे ₹100 तक प्रति एडमिशन की दर से दिया जा सकता है, और 101 और इससे ज़्यादा एडमिशन करने वालों को डायमंड कैटेगरी के रिवार्ड के अंदर रखा जाएगा, पात्र माना जाएगा, और उन्हें रिवार्ड जो है ₹125 प्रति एडमिशन की दर से दिया जा सकता है। अब स्कीम के अंदर जो एलिजिबिलिटी के मुख्य रूप से कंडीशन है वो ये है कि एक ज्ञान केंद्र को RSCIT नवंबर 2019 बैच के अंदर कम से कम 10 एडमिशन्स करने होंगे, यानी कि 10 से कम यानी 9 एडमिशन तक करने वाले ज्ञान केंद्र इस रिवार्ड स्कीम के अंतर्गत कंसिडर नहीं होंगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण इसके अंदर स्टेप है वो है कि ITGK द्वारा जितने भी एडमिशन्स किए जाते हैं कन्फर्म RSCIT नवंबर 2019 बैच में, उनके 100% बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब कैश रिवार्ड की कैलकुलेशन होगी तो उसके अंदर उन्हीं लर्नर्स को माना जाएगा, पात्र माना जाएगा भुगतान हेतु, जिनका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एक नियत तिथि तक की जा चुकी होगी। वर्तमान में ये नियत तिथि RKCL द्वारा 15 दिसंबर 2019 डिक्लेयर की गई है, यानी कि सभी ज्ञान केंद्रों को नवंबर 2019 RSCIT बैच के अंदर जितने भी लर्नर्स आपने एडमिशन कंफर्म किए हैं उनका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास करना चाहिए, और तभी वो इस पूरी स्कीम का पूरी तरीके से फ़ायदा ले पाएंगे। अब स्कीम गाइडलाइन की बात करते हैं हम लोग। स्कीम गाइडलाइन के लिए सभी ज्ञान केंद्रों को हम लोगों ने सुझाव दिया है, किसी भी प्रकार की अनएथिकल एक्टिविटीज़ या किसी की बिजनेस मेल प्रैक्टिस ना करें रिवार्ड स्कीम पाने के लिए। इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर आपका लिप्त पाया जाता है तो आपको इस रिवार्ड स्कीम से बाहर किया जा सकता है। दूसरा, इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि नवंबर महीने के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अचीव करना RSCIT बिजनेस के अंदर। अब मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से क्या रिवार्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पहला केस लेते हैं कि एक ITGK है जिन्होंने नवंबर 2019 RSCIT बैच में कुल 73 एडमिशन किए गए हैं, यानी 73 एडमिशन किए गए तो आप देखेंगे कि वो गोल्ड कैटेगरी के रिवार्ड के लिए पात्र हैं और इसके अंतर्गत ₹100 प्रति एडमिशन की दर से उनको पे होना चाहिए। परंतु अगर आप यहाँ देखेंगे कि 73 एडमिशन में से दिनांक 15 दिसंबर 2019 तक अगर कुल 49 यानी 49 एडमिशन का ही बायोमेट्रिक पंजीकरण कराया गया है तो विंटर रिवार्ड स्कीम के अंतर्गत उन्हें 49x100 यानी ₹4900 का कैश रिवार्ड दिया जाएगा, यानी ₹100 प्रति एडमिशन की दर से
इस स्कीम के अंदर में उनको भुगतान होगा जिनका बायोमेट्रिक पंजीकरण भी कंप्लीट कर दिया गया हो नियत तिथि तक। इसी प्रकार एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें ITGK द्वारा कुल 251 एडमिशन किए गए परंतु 15 दिसंबर तक मात्र 100 एडमिशन का ही बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाया गया। तो 251 एडमिशन करने की वजह से इनका जो है रिवार्ड कैटेगरी डायमंड आता है और इन्हें ₹125 प्रति एडमिशन के दर से देना प्रस्तावित है। परंतु अगर ज्ञान केंद्र द्वारा सिर्फ 100 एडमिशन्स का ही अगर बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाया गया है तो मात्र 100 एडमिशन हेतु ही ये रिवार्ड स्कीम दिया जाएगा, यानी कि 100 × 125 ₹12,500 कैश रिवार्ड दिया जाएगा, जो कि ₹125 प्रति एडमिशन की दर से कैलकुलेट किया गया है। और तीसरा एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग कि अगर ये ज्ञान केंद्र ने कुल 11 एडमिशन किए हैं, यानी 11 एडमिशन किए हैं तो ये आते हैं ब्रॉन्ज कैटेगरी रिवार्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और ₹50 प्रति एडमिशन के दर से इन्हें दिया जाना प्रस्तावित है। इस केस के अंदर अगर ज्ञान केंद्र द्वारा कुल 9 ही एडमिशन का बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाया गया है तो विंटर रिवार्ड स्कीम के अंतर्गत मात्र 9 एडमिशन हेतु ही जो उन्हें रिवार्ड है यानी कि 9 × 50 ₹450 का कैश रिवार्ड दिया जाएगा। तो इन एग्जांपल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कितना एडमिशन्स करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिवार्ड कैटेगरी डिसाइड होगी और साथ साथ में प्रति लर्नर कितना आपको जो किस दर से भुगतान मिलेगा रिवार्ड का वो आपको तय होगा। परंतु भुगतान केवल उन्हीं का ही प्राप्त होगा जिन्होंने जिनका आपने बायोमेट्रिक मशीन पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इससे संबंधित एक और बात है कि अगर आपको उपरोक्त जो पूरी रिवार्ड स्कीम के बारे में योजना के लाभ के बारे में किसी भी प्रकार का अगर स्पष्टीकरण चाहिए या आपको समझ नहीं आया है तो आप अपनी मेल के माध्यम से RKCL के अंदर abhayas@rkcl.in व mahesh@rkcl.in पर अपना स्पष्टीकरण हेतु भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। परंतु इस नियत तिथि के पश्चात में कोई भी RKCL द्वारा जो नेटवर्क मैनेजमेंट समिति किसी भी प्रकार के अगर आक्षेप आता है तो जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम होगा। तो आपको ये मेल कल यानी कि 1 नवंबर को भेज दी गई है, तो आप 10 दिवस के भीतर RKCL में अगर किसी प्रकार का आपका आक्षेप है अथवा योजना के लाभ के संबंध में स्पष्टीकरण चाहिए तो आप उसको RKCL को मेल के माध्यम से भेजें। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो जो है आपको इस रिवार्ड स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दे पाया होगा। पिछले कई सालों के अंतर्गत RKCL ने इस प्रकार का एक बहुत ही यूनिक रिवार्ड स्कीम चालू किया है जो अभी तक कई सालों से नहीं किया गया था और इसमें कोशिश ये की गई है कि अधिकतम ITGK कुछ ना कुछ जरूर रिवार्ड पाएँ। दीपावली के बाद ये RKCL का बहुत ही अच्छा तोहफा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।